नमस्कार मित्रों, मैं हूं सौरभ शंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि दो शब्दों को लेकर काफ़ी भ्रांतियां लोगों के मन में, आत्मा और प्रेतात्मा। और अक्सर मैंने देखा कि काफ़ी कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर और लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, सेम समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इसकी व्याख्या एकदम अलग है दोनों चीज़ों की। इनका एग्जिस्टेंस का जो बेसिकली काम करने का तरीका दोनों का बहुत अलग है। अब इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा हमें कि आत्मा जब शरीर लेती है अपना, जब जन्म होता है उसका, तो वो शरीर में आ जाती है और वो शरीर सक्रिय हो जाता है। और ये शरीर को जब आत्मा धारण करती है तो वो अपनी जो प्रारब्ध कर्म उसको मिलते हैं, प्रारब्ध कर्म मतलब उस पर्टिकुलर जन्म में जो पूरे कर्म उसको, कर्मों का भुगतान करना है, वो प्रारब्ध कर्म उसको मिलते हैं और उसके अनुसार ही उसकी उस शरीर की आयु होती है जिसमें आत्मा वास करती है। फिर वो प्रारब्ध कर्म खत्म होने के बाद आत्मा उस शरीर को वहाँ से वो छोड़ देती है और एक नेचुरल डेथ जब होती है तो वो सूक्ष्म शरीर में, जिसको सबटल बॉडी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो सूक्ष्म शरीर में बैठ के वो फिर अपनी आगे की यात्रा करती है और अपने कर्मों के अनुसार फिर वो अलग अलग लोकों में भ्रमण करती है। और जो अलग अलग लोक हैं और जिसको हम अलग अलग आयाम भी बोल सकते हैं, डायमेंशंस बोल सकते हैं, ये डायमेंशंस और आयाम बेसिकली अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बने हैं। तो अपने कर्मों को मैच करते हुए वो अलग अलग आयामों में रहती है। पितृलोक हैं और ऐसे बहुत सारे लोक हैं अलग अलग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अकाल मृत्यु जब हो जाती है, एक तो तब, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट, ग्रॉस अटैचमेंट किसी चीज़ से हो, बहुत ज़्यादा वासनाएं उसकी अभी तृप्त ना हुई हों और अभी भी अटक गई हों, तो भी उसको फिर एक वासनामय शरीर या जिसको हम प्रेत शरीर कहते हैं। तो आत्मा जब प्रेत योनि में चली जाती है, यानी प्रेत का शरीर उसको मिल जाता है और वहाँ पे उसको जो प्रारब्ध कर्म जो उसके बचे थे अभी, क्योंकि नेचुरल डेथ वो नहीं गया, तो जब तक वो प्रारब्ध कर्म भोग नहीं लेती पूरे, तब तक वो आत्मा उस प्रेत शरीर में रहती है। और प्रेत शरीर का जो विघटन होता है, उसके जो जो डिसॉल्व होने का जो तरीका होता है, बहुत स्लो होता है और इस वजह से कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है प्रेत आत्मा को, प्रेत को मुक्ति कराने में भी या मुक्ति करने में भी। तो ये सब निर्भर करता है कि उसके घर वाले बाद में क्या पाठ पूजा वगैरह उसके लिए करवाते हैं या और कुछ, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, बहुत संक्षेप में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो प्रेत आत्मा बेसिकली वो आत्मा जो प्रेत शरीर को प्राप्त कर गई है, और उसमें भी अलग अलग, प्रेत में भी अलग अलग, आपने सुना होगा ब्रह्म राक्षस हो गया, पिशाच हो गया, डायन चुड़ैल, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये जो सारी जो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अंत समय में इंसान ने वो प्राण किस अवस्था में त्यागे और कैसे त्यागे, किस वे में त्यागे। तो आशा करता हूँ आपको आत्मा और प्रेत आत्मा का ये फ़र्क बहुत आसानी से समझ आ गया होगा इस वीडियो के द्वारा। और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने और जल्दी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।